हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए काफ़ी बेहतर, काफ़ी उम्दा प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है और जो 3 बेडरूम का और काफ़ी कम जगह है। यहाँ पर आपको टोटल डिटेल बताएंगे। ये 3D एनिमेशन वीडियो है, ये आपको समझ में आ रहा है कैसे है, क्या है, नहीं है टोटल। अगर आपको इसका स्केचिंग करना है तो आप पेपर पर कर सकते हैं बैठ के, और इसको टोटल वीडियो आपको देखनी है। काफ़ी कम जगह में, काफ़ी कम जगह का सेंस है कि हम आपको अभी बता देते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या है। यहाँ से यहाँ तक 30 फीट है, चौड़ाई का हिस्सा 30 फीट है और लंबाई का हिस्सा 25 फीट है। 30x25 में बना हुआ 3 बेडरूम प्लान है। 3 बेडरूम प्लान है, एंट्री में लिविंग हॉल है, किचन है, स्टेयर एरिया है, उसके बाद आपका जो भी ट्यूबवेल सेक्शन, इलेक्ट्रिक सेक्शन अलग रखिएगा, तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और बाथरूम है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आते हैं, एंट्री करते हैं, लिविंग हॉल में आते हैं, लिविंग हॉल का जहाँ पर सोफ़ा कॉर्नर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सोफ़ा, यहाँ पर टीवी यूनिट वॉल लगा सकते हैं, जो हम आपको साइज़ बताएंगे लिविंग हॉल का क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिविंग हॉल का साइज़ है वो 13 फीट 4 इंच है, और चौड़ाई के हिस्से में जो लिविंग हॉल का साइज़ है वो आपका 10 फीट है। अच्छा साइज़ है, घर के साइज़ के हिसाब से लिविंग हॉल का साइज़ अच्छा है। फिर हम लोग एंट्री मारते हैं, आते हैं किचन में, जो साइज़ ऑफ किचन हम आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक साइज़ ऑफ किचन क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह आपका 7 फीट है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर जो सीढ़ी एरिया है, सीढ़ी एरिया तो यहाँ पर आप आराम से यूज़ में जगह बना सकते हैं चाहे तो, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक अलग से भी टॉयलेट ऐड कर सकते हैं, तो जगह इतनी अच्छी है। सीढ़ी एरिया है, यहाँ पर सीढ़ी एरिया के लिए जो जगह इस्तेमाल की गई है वो आपको 9 फीट 7 इंच है, और एक तरफ से ये आपका 8 फीट है। फिर हम लोग आते हैं बाथरूम सेक्शन में। ये जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम सेक्शन है, बाथरूम एरिया है जो 6x8 का काफ़ी अच्छा साइज़, जहाँ पर आपका हिंदी इंडियन सीट दोनों, शावर पॉइंट, आराम से वॉशिंग मशीन एरिया बना सकते हैं, वो टोटल चीज़ आ सकता है। चलिए आते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम का साइज़ हम आपको बताएंगे कि बेडरूम का साइज़ क्या है, क्या नहीं है। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक इस बेडरूम का साइज़ 10 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 9 फीट 7 इंच है। क्लियर है। इस बेडरूम में आते हैं, ये बेडरूम यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 6 इंच है, और लंबाई देखने में ही काफ़ी लग रही है, तो लंबाई 13 फीट है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं अंतिम बेडरूम की तरफ, जो इस प्लान का अंतिम बेडरूम है, उसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेडरूम आपका 9 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 9 फीट 10 इंच है, 10 फीट। क्लियर है। आउटर वॉल जो भी है वो आपकी यहाँ पर 10 इंच है, पार्टीशन 5 इंच है, और एक और चीज़ है यहाँ पर, आप यहाँ पर कॉलम मार्किंग रखना चाह रहे हैं तो ये आप कॉलम मार्किंग इस तरह बना सकते हैं। ये आपका ये कॉलम मार्किंग प्लान है, कॉलम है, आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं, आप एक कॉलम यहाँ रख सकते हैं, जो यहाँ पर 10x10 का कॉलम हम आपको शो कर रहे हैं, कॉलम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और एक कॉलम यहाँ आपका आ जाएगा, ये उसके बाद एक कॉलम यहाँ आ जाएगा, तो कॉलम काफ़ी कम पड़ेगा इस घर में। और एक कॉलम आपका ये जो 10x10 का ये है, एक कॉलम जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा इस हिस्से में, यानी इसी फेस को पकड़ता हुआ, ठीक है। एक कॉलम आप इसका यहाँ रख सकते हैं ये हिस्से में, जो आपका सीढ़ी घर के लिए भी काम करेगा। एक कॉलम आपका ये आ जाएगा, और एक कॉलम ये आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा जो इसके लोड के लिए पड़ेगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। 10x10 का एक कॉलम आप यहाँ रख लें, ठीक, और एक यहाँ दे दें, तो कॉलम मार्किंग भी क्लियर हो गया कि आपको कॉलम मार्किंग किस तरह लेके चलनी है, ठीक है, जो यहाँ एक शो कर दे रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर प्लान है। लंबाई चौड़ाई हमने दोनों बता दी आपको, काफ़ी कम जगह में 3 बेडरूम प्लान है, किचन है, बाथरूम है, लिविंग हॉल है। तो इसी तरह का प्लान बनवाने के लिए ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।